बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता की कमान तो संभाल ली है, लेकिन इस बार उसकी राह आसान नजर नहीं आ रही है। कहीं बढ़ती महंगाई को लेकर जनता में आक्रोश नजर आ रहा है, तो कहीं चरमराती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन। इसी कड़ी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है, जिसके बाद मोदी राज में प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इस बार के लोकसभा चुनाव में वाराणसी ने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री जनता को निराश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ही संसदीय क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था चरमराई हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वाराणसी के एडीएम एक आदमी को सिर से मारते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि वाराणसी में एक अवैध बने होटल को गिराने की कार्रवाई जारी थी। इस दौरान होटल मालिक और उसके समर्थक विरोध कर रहे थे, जिस पर एडीएम सिटी आलोक वर्मा इतने गुस्से में आ गए कि विरोध करने वाले को सिर से टक्कर मार दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही पीएम मोदी समेत योगी सरकार सवालों से घिर गई है। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के मनमाने रवैये को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मामले में बीजेपी सरकार पर करारा तंज कसा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अधिकारियों ने यूपी के प्रतीक्षारत क्योटो में शुरू किया अपने तरह का अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। इस खेल में प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देखती है, ये देखना बाकी है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये बात इस पर निर्भर करेगी कि ये किस खेमे के हैं। ये है देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में प्रशासन का अमृतकाल। दिल्ली में कोई है, क्योंकि लखनऊ खाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।